हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडोब लाइटरूम हमारे चल रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्प्लिट टोनिंग की। जैसे कि हम ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर फोटो को कन्वर्ट करते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ब्लैक और व्हाइट दो कलर के अंदर फोटो हो जाती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक फोटो है, तो इसके अंदर एक कलर है ब्लैक और एक है व्हाइट कलर। इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, दो कलर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप दो कलर ऐड करेंगे और वो फोटो उन दो कलर्स के अंदर नजर आएगी। देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं। राइट साइड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दो कलर सिलेक्ट करने होंगे, एक हाईलाइट कलर और एक आपको शेडो कलर सिलेक्ट करना होगा। शेडो कलर यानी कि फोटो के अंदर जहां जहां पर शेडो डार्क एरिया है वहां पर ये शेडो कलर आएगा, और जहां जहां पे हाईलाइट या व्हाइट इक्विल व्हाइट के जैसा कलर है वहां पर ये हाईलाइट कलर आएगा। देखिए शेडो कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं शेडो कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेड, प्योर रेड से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं जहां जहां पर ज्यादा ब्लैक कलर था वहां पर ये कलर आ गया है। और ऊपर हाईलाइट के अंदर हम दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्लू नहीं कर रहा हूं मैं, ब्लू लाइट ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर अगर कलर सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ये आ रहा है। अगर आप इसकी जगह पर दूसरा कोई येलो वगैरह भी करेंगे तो फिर वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों कलर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, और इन दोनों कलर को सिलेक्ट करने के बाद में इन दोनों के नीचे दो दो ऑप्शन है, एक ह्यू का और सैचुरेशन का। ये दोनों ऑप्शन है, यानी यहाँ से आप कलर बाद में भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ह्यू सैचुरेशन से आप शेडो का जो कलर है वो आप इस तरह से फोटो के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने दोनों जगह सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में ऑप्शन है सैचुरेशन, यानी कि उस कलर को आप सैचुरेट करना चाहें या फिर धीरे धीरे कम करेंगे सैचुरेट तो कलर ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ जाएगा। तो हम इसको मीडियम रख देते हैं, और इसको भी थोड़ा यहाँ पर मीडियम से थोड़ा ज्यादा मैं रख देता हूँ। अब बीच में एक ऑप्शन है, वो है बैलेंस का, यानी इन दोनों के ऊपर आप जो बैलेंस है अभी यहाँ पर जीरो है। अगर आप इसको जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हाईलाइट कलर है उसका एरिया यहाँ पर बढ़ गया, पूरी तरह से वही कलर आ रहा है, फिर रेड नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे आप कम करेंगे तो फिर रेड कलर आएगा, यानी कि आप इन दोनों के अंदर यहाँ से आप बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस फोटो के हिसाब से मैं देखें तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पर हम कम कर देते हैं, कलर ज्यादा नजर आ रहा था, और रेड कलर को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये फोटो के अंदर हमने इस तरह से दे दिया। आप बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैक स्लैश दबाऊंगा, ये बिफोर ये आफ्टर, ये बिफोर ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बिफोर के अंदर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है, और आप स्प्लिट टोनिंग जब यूज करेंगे तो उसके बाद में ये दो कलर्स इस टोनिंग इसके अंदर नजर आएगी। और जैसे कि हम रेड की बजाय अगर कोई दूसरा कलर भी यहाँ पर करना चाहें, जैसे पिंक, तो इस तरह से फोटो के अंदर पिंक कलर आएगा, और कोई और दूसरा ग्रीन अगर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ग्रीन आएगा। दो कलर आपको मैच करके उनको फिर यहाँ पर इस तरह से लेना है। तो इस तरह से आप भी अपने फोटो के अंदर स्प्लिट टोनिंग यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह की कोई स्टेचू वाली फोटो के ऊपर ही यूज में लें। देखिए आप अपनी किसी भी दूसरी फोटोज के ऊपर भी इसे यूज ले सकते हैं। अब जैसे ये फोटो, इसके ऊपर अगर आपको यूज लेना है तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से दो कलर सिलेक्ट करें। जैसे मैं ये कलर यहाँ पर थोड़ा पिंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम सिलेक्ट करें यहाँ पर हाईलाइट के अंदर मैं थोड़ा सा इस तरह से येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे, आपको कौन सा कलर यहाँ पर ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी फोटोज के अंदर इसका इफेक्ट भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इन दोनों के अंदर मैं सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ कलर्स का, और अब देखिए आप बैलेंस करना है कौन सा कलर किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से। तो इस तरह से आप जैसे जैसे अलग अलग तरह के इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि ग्रीन रेड, यहाँ पर मैं अलग अलग जैसे जैसे कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ फोटो के अंदर अलग अलग तरह के इफेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है जैसे कि इस फोटो के अंदर हमने स्प्लिट टोनिक यूज लिया है तो इस फोटो के अंदर जो पहले से जो कलर था रेड कलर या दूसरे कलर्स उनके ऊपर भी ये इफेक्ट आ रहा है, पूरी तरह से वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन ये इफेक्ट आ रहा है, और इससे फोटो क्या है बहुत ज्यादा फिर अच्छी लग रही है। यहाँ पर इस फोटो के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये इस तरह से मैंने कलर यूज लिया है, इसके अंदर हमने इस तरह से लिया, इसके अंदर ये बिफोर आफ्टर आप देखना चाहें, ये बिफोर ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ये बिफोर ये आफ्टर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब लाइटरूम।
और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बटन आपको वीडियो के नीचे और चैनल के ऊपर दोनों जगह मिलेगा। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और आप मेरे पुराने वीडियोस से भी कनेक्टेड रहेंगे। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।